अबे ये क्या है गाइस, ये क्या पावर है। तो हेलो दोस्तों, आ चुके एक और नए आर्क असेंडेड के एपिसोड में, तो स्वागत है गाइस आपका। तो गाइस पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने एक चैलेंज कंप्लीट किया था, जो कि थे अपने 3 डिवाइन के डायनासोर्स और टेम करना एक अपना चारचा को, जो कि बॉस लेवल का डायनो था। और गाइस हमने किया था, एक बॉस को भी मारा था जो कि अपना कोई तो मेगा पिथिकस कुछ तो था, ओके, बट भाई वो इतना ज़्यादा कुछ पावरफुल नहीं था। तो गाइज आज मैं सोच रहा हूँ कि गाइज आज वो दिन आ चुका है जो गाइज मैं टेम करने आ रहा हूँ एक अपना डेविलिश का फीनिक्स। सबसे पहले वाले एपिसोड में देखा होगा कि मेरे को मिला था एक फीनिक्स, डेविलिश का फीनिक्स, जो कि सच में पैसिव टीम होता है एक तो वो, ओके, और भाई सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो गाइज मोस्टली अभी तक के जितने भी डायनासोर्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं अपने डेविलिश के डायनासोर्स, और गाइज वो टेम करूँगा आज मैं, और करेंगे अपने एंशिएंट के डायनासोर को, जितने भी एंशिएंट के डायनोज हैं उनको कोशिश करूँगा सबको मार दूँ मैं, क्योंकि गाइज करीब करीब 8 या 9 एंशिएंट के डायनोज हैं, उनमें से मुश्किल से मैं 4 या 5 ही मार चुका हूँ अभी। गाइज वेवरन और भी काफ़ी सारे डायनासोर्स हैं जो बचे हुए हैं, तो गाइज उनको भी मारेंगे। तो चलते गाइज मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, जो कि मैंने अपना बेस अपग्रेड किया है, ओके, तो चलते गाइज जल्दी से। ओके तो भाई सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपना बेस, जो कि सच में ज़्यादा ही अपग्रेड कर दिया है मैंने, और रुको एक सेकेंड। तो भाई ये चीज़ देख सकते हो, ये तो मैंने अपनी करी है, एक तो शील्ड कर दी है, और भाई शील्ड की हेल्थ देखो भाई 25 मिलियन हेल्थ है भाई इसकी। और गाइज मैंने जितने भी डायनोज हैं वो कर दिए अपने बाहर को खड़े, ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो गाइज, ये हैं मेरे डायनोज और मैंने सारे डायनासोर बाहर को खड़े कर दिए, और आई थिंक ये सही रहेगा। ओके तो सबसे पहले काम करता हूँ, इसको मैं निकाल देता हूँ जो एक्स्ट्रा लग गया था। भाई देख सकते हो कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है, और सारे डायनासोर्स मैंने खड़े कर दिए हैं। हालांकि जो मेरा ग्रिफिन था, जो मेरा हैरी पॉटर ग्रिफिन है, वो मैंने अपने पास रख रखा है ताकि वो ज़रूरत हो सके। और गाइज मैंने ये भी अपना बनाया, अपना क्या बोलते हैं टेक का जो भी अपना गेट है, इधर भी लगा दिया मैंने टेक का गेट। ओके तो गाइज इस चीज़ के लिए प्लीज़ एक लाइक कर देना। ये गई अपनी जो शील्ड है, मोस्टली मैंने जितने भी अपने एलिमेंट्स वगैरह वो सारे इसमें डाल दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा मेरे पास भी है। तो गाइज़ अभी आपको पता ही होगा कि मैं एलिमेंट कहाँ से लेके आऊँ, जो कि अपना डोडो का बॉस था उसको काफ़ी सारे मार के मैं अपना एलिमेंट लेके आया हूँ। तो गाइज़ अभी एक काम करते हैं, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, बनाते गाइज अभी डेबलिस की केबल और करते गाइज डायनो को टेम। मोस्टली गाइज अभी मेरे को नहीं पता है कि कितने सारे लगेगी। तो गाइज़ मैंने पिछले एपिसोड में ये डायनो मारा था, और ये अपना टर्मिनल है गाइज, इससे होंगे अपने बॉसेस समन, आपको पता ही होगा ये सारी चीज़ तो, ओके, बट अभी अपने को बनाना है ये सारी चीज़ें। तो ये तो मेरे पास प्राइम जर्की मीट मांग रहा है, तो ठीक है मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। फिर काम करता हूँ, 5 बनाने की कोशिश करता हूँ, और देखते गाइज कितनी बन जाएंगे। ओके 5 बन जाएंगे, ठीक है गाइज, तो ये भी 5 बन जाएंगे मेरे पास। ओके ठीक है, मेरे पास जर्की मीट भी रखा हुआ है, तो ठीक है गाइज अभी गाइज बन चुकी हैं अपनी 5 डेविलिस की केबल। और गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे को करना है अपना डायनो को टेम, जो कि गाइज फीनिक्स है, बट वो फीनिक्स गाइज पैसिव टेम होता है, ओके, तो मेरे को उसको अच्छी चीज़ ये है, मोस्टली इधर ही था, पास में ही था, मैंने ज़्यादा दूर नहीं देखा था इसको, इधर कहीं होगा। ओके गाइज ये गया वो डायनो, देख सकते हो ये है वो डायनो, और गाइज देख सकते हो 3 केबल मांग रहा है और पैसिव टेम है। ठीक है गाइज अभी मेरे को सबसे पहले तो एक काम करना पड़ेगा, जितने भी यहाँ पे चोर है ना इनको भाई करना पड़ेगा बेहोश, ताकि ये डायनो जो है वो दिक्कत ना कर दे। ओके ये उड़ रहा है यार, वैसे काम करता हूँ रुको, अपनी जो केबल है ना वो मैं लास्ट स्लॉट में रख देता हूँ, और आई थिंक ये मेरे पे एग्रो नहीं होगा। ओके गाइज ये पैसिव टेम है और एग्रो भी नहीं हो रहा, ठीक है अभी एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ और इसके पास जाता हूँ, और इसको करता हूँ भाई एक जगह खड़ा हो जा प्लीज़ भाई, ये बैठेगा तभी मेरे को आई थिंक करना पड़ेगा, ऐसे तो भाई हो नहीं पाएगा, पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा भाई, ऐसे ऑप्शन नहीं आ रहा, और ऐसे ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके गाइज मेरे को इसको इंतज़ार करना पड़ेगा बैठने का, और नहीं आ रहा, ऐसे तो आ ही नहीं रहा है ये गाइज, अगर बैठे तो फ़ायदा होगा, वरना तो ऐसे तो नहीं होगा भाई, कहाँ जा रहा है भाई ये बेहोश, ऐसे मतलब कि पैसिव टीम होगा, दिक्कत ये कि बैठे तो सही, या फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसा करना पड़ेगा इसको, ऑप्शन भी नहीं आ रहा यार, कुछ ऑप्शन आना चाहिए यार, ये बैठेगा कब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये बैठेगा तो मैं अपना काम कर पाऊँगा, यहाँ पे काफ़ी सारे ये चोर घूम रहे हैं, वो केबल ना चुरा दिया जाए, दिक्कत ये है ना। रुक जा भाई रुक जा,
रुक जा एक जगह, रुक जा भाई, ये पता नहीं कब होगा। ओ गाइस मैंने खुला दिया है एक, ओके 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 मैंने खिला दिया एक केबल, और आई थिंक ये अबे दो केबल मांग रहा है क्या? दो केबल में हो जाएगा क्या? तीन केबल लिख के आ रही है, बट इसका आधे से ज़्यादा फूड तो अभी फुल हो चुका है। गाइस एक खिला चुका हूँ मैं, ठीक है एक और खिलानी है मेरे को, मेरे को प्लीज़ 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 गाइस बैठ गया बैठ गया बैठ गया बैठ गया बैठ गया। ओह गाइस एक और एक और एक और एक और, आई टीम हो गया टीम हो गया टीम हो गया गाइस टीम हो गया टीम हो गया। रुको 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 भाई, फाइनली गाइस ये हो चुका है टीम, भाई ये हो चुका है टीम। ओ भाई साहब गाइस तो मैंने अपना डायनो कर लिया टीम, भाई बहुत टाइम बाद टीम कर लिया गाइस। अभी चलता हूँ भाई, सबसे पहले घर पे चलता हूँ, इसका देखता है कोई सैडल वगैरह या फिर मैं ऐसे ही बैठ सकता हूँ, और करते हैं भाई इसको राइड करते हैं, और गाइस चलते बॉस को मारने की कोशिश करता हूँ मैं सबसे पहले। तो भाई साहब मज़े आ गए यार सच में गाइस, तो इस चीज़ के लिए प्लीज़ एक लाइक तो बनता है गाइस। चलो भाई अभी एक काम करता हूँ, जो अपना कहाँ गया रहनो किधर गया, तो गाइज ये है अपना फीनिक्स। और भाई अब तक का भाई जितने भी आर्क असेंडेंट में अभी तक का जितने भी भाई मैंने डायनो टेम किए उनमें से सबसे पहला है मेरा फीनिक्स, जो कि मैंने अभी टेम किया। लिटरली मैंने स्कॉर्च अर्थ में भी भाई फीनिक्स टेम नहीं कर पाया था ओके, और क्योंकि वो स्पॉन नहीं हो रहा था। और आई थिंक ये राइड ओके भाई, तो मैं इस पर ऐसे ही राइड कर सकता हूँ, और उसकी 200 कुछ करते तो हेल्थ है। तो भाई देख सकते हो ये है अपना फीनिक्स। अभी यार दिक्कत पता है क्या, इसका दिक्कत ये है कि ये जो डायनो है ये संभलता नहीं है सीरियसली। अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कितना डैमेज देगा ये, चलो देखते हैं एक बार। भाई 12,000 का डैमेज दे रहा है एक बार में ये, ठीक है गाइस। अभी ये क्या है गाइस, ये क्या पावर है ब्रो, भाई ये क्या पावर है भाई, गाइस इसे कहते हैं भाई फीनिक्स ब्रो, क्या पावर है ये, कुछ और भी पावर मारता है क्या ये? ओ भाई साहब, भाई राइट क्लिक से भी पावर मारता है, ठीक है भाई। और अपना ऐसे तो भाई पावर देता ही है, देख सकते हो भाई ये अपनी पावर देता है ऐसे, और राइट क्लिक से ऐसे देता है, ठीक है गाइस। ओ भाई साहब, भाई पूरा पूरा अंधेरी भाई, हेलो पूरा अंधेरा कर दिया इसने गाइस। तो ये है अपना फीनिक्स जो कि बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। अभी एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो गाइस मैं इसको ट्रैकर खिलाऊंगा ताकि ये मर ना जाए, और करते गाइस इसको लेवल, और चलते भाई इसको डायनो से भिड़वाते हैं कि कितना पावरफुल है ये डायनो। ओके अभी गाइस इसकी 2 मिलियन तो हेल्थ में ऐसे कर दूंगा, बाकी मैं इसको इम्प्रिंट कर दूंगा। ओके तो भाई देख सकते हो भाई 3 मिलियन हेल्थ कर दी है मैंने इस डायनो की, और भाई क्या स्मूथ उड़ रहा है भाई सच में, ये चीज़ देखो यार क्या स्मूथ उड़ रहा है गाइस, ये डायनो बहुत अच्छा लग रहा है यार सच में। अभी एक काम करता हूँ, अभी वाला अटैक मारता हूँ। ओ भाई 1 लाख का डैमेज दे रहा है भाई, वो भी भाई, ओ भाई साहब भाई 1 पॉइंट भाई 1.5 मिलियन भाई, हेलो 2 मिलियन भाई, क्या डैमेज दे रहा है गाइस, ये है भाई पावरफुल डायनो। और भाई देख सकते हो अभी ये वो नहीं बना रहा यार गाइस, फीनिक्स आई थिंक जो अपना वो मीट होता है वो स्पॉइल करता है कुछ तो। ओके गाइस एक और है, नहीं ये ओके ये डिसेंडेड का फीनिक्स है, ये नॉर्मल फीनिक्स है गाइस, तो इसको भी टेम करना है क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस एक बार बता देना मेरे को इसको टेम करना है कि नहीं, मैं इसको भी टेम कर लूँगा। ओके तो गाइस अभी एक काम करते हैं, चलते हैं गाइस, मैंने इसका लेवल अप तो कर दिया, अभी चलते गाइस जल्दी से डिसेंडेड के जो भी अपने एंशियंट के डायनोज होते हैं उनको मारता हूँ, और करते गाइस बॉस फाइट। ओके ओके तो गाइस ये हैं अपने एंशियंट के डायनासोर्स, और मोस्टली इसके लिए अपना आर्टिफैक्ट लगता है। तो गाइस जो 4 डायनो है वो तो मैं कर चुका हूँ, जैसे कि देख सकते हो आप, अपना कार्नो हो गया, अपना गीगा हो गया, अपना रेक्स हो गया, और अपना रेप्टर हो गया। तो गाइस बाकी के डायनो बचे हैं वो अपना एक ब्रोंटो हो गया, और अपना हो गया अपना क्विट्जल हो गया, और ये कौन सा डायनो है, रेप्टर तो अपन मार चुके, रेक्स भी मार चुके। तो गाइस एक एंकुलोसोरस हो गया, एक ट्राइक हो गया। तो गाइस 1, 2, 3, 4, 5 तो गाइज अभी मेरे को 5 डायनो मारने पड़ेंगे। फैंटम ये कौन सा है गाइज, ये कोई डायनो अलग है, मेरे को नहीं पता है फैंटम कौन सा डायनो है। ओके तो गाइज इसको भी मारेंगे, आई थिंक 6 डायनो लगेंगे, और उसके लिए 2 जेनेरिक आर्टिफैक्ट चाहिए। हेलो
हेलो, ये कोई अरे नहीं, ये गाइस अलग है। ओके ओके, ये कोई अलग डायनो है, क्योंकि इसके लिए मेरे को चाहिए एंशियंट टोकन। वो एंशियंट टोकन ऐसे नहीं बनेगा, एंशियंट टोकन मेरे को चाहिए अपना, उससे क्या बोलते हैं, अपने को एंशियंट के सारे डायनोज मारने पड़ेंगे, उससे होगा ये, अभी नहीं होगा, तो इसको मैं बाद में करूँगा। बाकी सबसे पहले तो मैं ये सारी चीज़ कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6। ओके गाइस, 6 तो अपना ये ले लिया मैंने, और ये सारी चीज़ें ले लेता हूँ। चलो भाई लोग, ओके भाई, तो अभी मैं आ चुका हूँ अपना वही बॉस फाइट की जगह पे, और मोस्टली मेरे पास सारी चीज़ें हैं। ओके, और अभी करता हूँ गाइज, एंशियंट के डायनो को समन करता हूँ, और गाइज देखते हैं कि मैं सारे एंशियंट के डायनोज को मार पाता हूँ कि नहीं मार पाता हूँ। अभी मोस्टली सारी चीज़ें हैं मेरे पास यार। मेरे पास आई थिंक बॉस वाला ये नहीं होगा, एंशियंट बॉस मेरे को चाहिए। रुको जरा, कितनी मांग रहा है ये? ओ अच्छा, वो नहीं चाहिए। ठीक है गाइज, मैं फालतू में वो चीज़ परेशान था। आई थिंक सबसे पहले मैं अपना स्टैगो को करता हूँ, और मोस्टली ओके, सबसे पहले मैं स्टैगो करता हूँ, ट्राइक और ये सारी चीज़ें कर देता हूँ। बाकी ब्रोंटो, अभी मेरे को ये नहीं पता अपना वो कहाँ गया, फैंटम। अच्छा फैंटम नहीं, ओके फैंटम इनमें है ही नहीं है। ठीक है, मैं फालतू में परेशान हो रहा था। बाकी ये गया अपना फिनिक्स। ओके, तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ अपना, करते हैं स्टैगो को, एंशियंट के डायनो। तो ठीक है गाइस, करते हैं स्टैगो, और हो रहा है ये, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाने वाला है। ठीक है चलो भाई, तब तक अपना थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। और मोस्टली पता है अच्छी चीज़, अभी दिक्कत ये है कि ये डायनो जो है ना, वो बैक पे नहीं जाता है, सीधे नॉर्मली जाता है, सीधे ही चलता है, तो मेरे को थोड़ा हैंडल करने में प्रॉब्लम होगी, बट ठीक है, इतना तो चलता रहता है। ओके भाई, आ चुका है अपना डायनो, और देख सकते हो, सबसे पहले तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ। ओ भाई 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 भाई, इसकी हेल्थ तो उतरी है, बट भाई सच में ये क्या था? हेलो, भाई ये डायनो तो भाई कुछ खतरनाक ही है यार। अरे नहीं, ये क्या कर दिया भाई? ओ भाई हेलो, कहाँ गया फिनिक्स, कहाँ गया फिनिक्स? रुको 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 भाई, ये डायनो भाई खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक है भाई। भाई इसको सामान तो मिल गया ना? ओके, मेरे स्टैगो जो है वो इन्वेंट्री में आ गया। भाई ये क्या था यार, इसने मेरे को उतार कैसे लिया, मेरे को ये समझ में नहीं आया कि कौन सा डायनो है। भाई ये स्टैगो ने मेरे को उतार कैसे लिया यार, ऐसे उतारेगा भाई? ये तो गलत चीज़ है भाई। रुको जरा, मैं 5 जो है ना वो इसकी इन्वेंट्री में भी डाल देता हूँ, ताकि ये थोड़ा सुरक्षित रहे, नहीं तो भाई निपट जाएगा ये। और कुछ नहीं भाई, वहाँ पे बॉस एक और घूम रहा है यार, कितने सारे बॉसेस घूम रहे हैं यहाँ पे। गाइज अगर कोई भी बॉसेस का साउंड आता है तो भाई मैं साउंड म्यूट कर दूंगा। ओके, तो मैं पहले से इस चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। अभी करते गाइज स्ट्राइक को, और चलते भाई, इसको अब पता नहीं ट्राइक कितना मारेगा भाई। सच में पता है गाइज, डायनो जो अपने एंशियंट के डायनासोर्स हैं, उनका सीन ये है कि अगर मैं उनको डैमेज दूंगा तो उनका जो डैमेज है वो मेरे ऊपर भी आएगा, जैसे कि अपना आर्थो होता है वैसा। ओके, तो ये पता नहीं क्या सीन है, बट ऐसा होता है, करना पड़ेगा अपने को। चलो भाई, ये आ चुका है अपना एंशियंट का डायनो, और छोड़ते गए इस पावर। ओ भाई देख सकते हो, पावर तो बहुत तगड़ी गई है, बट यार सच में पावर तो तगड़ी मारता गाइज, ये बहुत तगड़ी पावर मारता है। देख सकते हो, मेरे को इससे भी सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, और हार्वेस्ट भी कर लिया गया। ठीक है, हार्वेस्ट भी कर लिया इसने। ओके भाई, ये आ चुका है, 9 मिलियन हेल्थ है यार इसकी। और भाई बहुत इजी ख़त्म हो चुका है ये भी डायनो, भाई सच में बहुत इजी ख़त्म हो चुका है, बट सच में मेरे को भी जो डैमेज पड़ रहा है ना भाई, 95,000 का भाई स्टैक डैमेज पड़ रहा है। सच में भाई सोच सकते हो कितना पावरफुल होगा यार। अभी गाइस सबसे, पता है सबसे दिक्कत ये होने वाली है कि आगे जाके मेरे को ये डायनो भी टेम करने पड़ेंगे। इसके लिए मेरे को बायोटॉक्सिन चाहिए, वो तो मिल जाएगा इजी, अपने को जेली फिश मारनी पड़ेगी, और चाहिए अपने को एंशियंट टोकन। तो गाइस एंशियंट टोकन तो हम बहुत ईजी बना सकते हैं, अपने को जितने भी अपने एंशियंट के डायनासोर्स हैं उनके सभी के हेड जो भी अपने टोकन है ये चाहिए होगा, उनसे बनेगा अपना एंशियंट का टोकन। मैं अगली वाली वीडियो में आपको दिखा दूंगा, नहीं तो अभी लास्ट में सारी चीज़ें बता के ही चलूंगा। ओके, तो गाइज वक्त है अभी अपना क्विट्जल। गाइज मैं सोच रहा हूँ अपना जो वेवरन है उसको सबसे लास्ट में ही मारा जाए। ओके, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, मेरे को कंफर्म नहीं पता बट हो सकता है। ओके, तो भाई अभी वक्त है डायनो का समन होने का, हो जा भाई।
ओके गाइज ये आ चुका है और ये आते ही एग्रो हो चुका है। ओहो भाई आते ही एग्रो हो गया ये। ओके कुछ ज्यादा तगड़ा डैमेज दे रहा है ये भाई। दिक्कत ये है। ओके इसको पावर तो पड़ी है काफी ताकत अच्छी। ओ भाई हेल्थ 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 भाई हेल्थ भाई निपट तो जाएगा, बहुत इजी निपट जाएगा। ओके निपट तो गया बट भाई देखा मैंने बोला था फ्लाइंग डायनो को भाई पूरा हेलो अंधेरा ही अंधेरा कर देता है ये डायनो भाई साहब। तो गाइज मैंने पहले ही बोला था जो अपना डायनो होता है ये वाला फ्लाइंग डायनो वो थोड़ा दिक्कत कर सकता है अपने डायनो को। ओके वरना वैसे तो इतना ज़्यादा कुछ खास किया नहीं है, ये मार तो वैसे भी नहीं पाएंगे भाई क्योंकि अपना। ओके तो गाइज अभी वक्त है एक लास्ट डायनो का। ए हेलो क्या कम पड़ गया? ले भाई ये कम पड़ गया ना भाई, कमी किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए भाई। अबे डायनो पे बैठ जा भाई। भाई वेवरन पता नहीं यार कैसा होगा वेवरन भाई, सच में वेवरन कुछ ज्यादा ही तगड़ा होने वाला है सच में। ओके गाइज वेवरन आ चुका है, अभी एक काम करता हूँ। ओ भाई वेवरन मर गया। हेलो नहीं अभी मरा नहीं है। ओके इसकी थोड़ी हेल्थ बाकी है और अभी मर चुका है भाई। मुझे लगा कि वेवरन बहुत पावरफुल होगा यार, सीरियसली गाइज भाई मुझे लगा बहुत पावरफुल होगा वेवरन। नहीं भाई जितना हाइप था उतना भाई बेकार चला गया भाई। तो गाइज अभी आप देख सकते हो मेरे पास हो चुके हैं सारे डायनोस, मैं मार चुका हूँ और पहले तो इसको हील करा देता हूँ। अभी चलते गाइज घर पे और आपको दिखाते हैं जो एंशिएंट का टोकन है वो बनता कैसे है। ओके और भाई मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा ही तगड़ा होने वाला है डायनो बट ऐसा कुछ नहीं है यार, मुझे बस थोड़ा हाइप था यार इस डायनो का। ये डायनो अपना सबसे ज़्यादा बेस्ट डायनो है। तो गाइज इसका एक नाम अच्छा सा बताना। अभी गाइज देख सकते हो ये वो चीज़ है जिससे मेरे को एंशिएंट के टोकन बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, जितने भी एंशिएंट के टोकन है ना वो सारा इधर रख देता हूँ। बाकी अभी मेरे को चाहिए हैं और चार उनके चाहिए ना, बाकी चार यहाँ पे पड़े हुए हैं। रुक जो रुको जरा मैं यहाँ से सारा कुछ निकाल के इधर रख देता हूँ। ओके तो गाइज अभी देख सकते हो मेरे पास बन जाएंगे अपने चार एंशिएंट के टोकन। ओके तो गाइज कहाँ गए? तो गाइज ये है मेरा एंशिएंट का टोकन और ये बनता है अपने जितने भी एंशिएंट के मैंने डायनासोर्स मारे। अभी मेरे पास किस किस का कमी है? तो गाइज मेरे को कमी है अपना अपना गीगा का हो गया, अपना ब्रोंटो हो गया और अपना स्टेगो हो गया। ओके तो इन सबका कमी है तो कोई दिक्कत नहीं गाइज, मैं इन सभी का टोकन बना लूंगा, सभी के टोकन कर दूंगा। तो चलो गाइज आज के इस एपिसोड में इतना ही। आई होप आपको ये डायनो और ये एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगा हो तो प्लीज़ गाइज एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो चलो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड नमस्ते।